अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मकरोनी मिक्स सब्ज़ी के साथ, जो झटपट और मज़े की बन जाती है। तो और बच्चे आजकल शौक़ से भी खाते हैं, ज़रा कोई चीज़ ना हो तो कहते हैं मामा मकरोनी बनाएं। तो आएँ देखते हैं मैं इसके अंदर क्या कुछ शामिल करूँगी। मकरोनी का एक पैकेट मैंने लिया, साथ ही मिक्स सब्ज़ी वो भी एक बाउल 2 कप के करीब, तो साथ ही टमाटर 2 अदद बारीक कटे हुए, प्याज 2 अदद, और आलू भी मैंने 2 छोटे दरमियाने ले लिए, वो भी बारीक काट लिए। तो आगे मसाले ओरिगानो डालूँगी खुशबू के लिए, साथ नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, ये सब मतलब मसाले जो मैंने शामिल करने हैं वो। तो अभी शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैंने पानी चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर, तो अभी इसके अंदर जैसे पानी बॉईल होगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मकरोनी, तो साथ ही मिक्स करूँगी कि नीचे ना लग जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। दस से मतलब 15 मिनट लग जाते हैं इसको बॉईल होने में। तो जैसे ये बॉईल होती है तो इसके अंदर मैं अभी शामिल करूँगी सिरका 2 चम्मच, कि वो आपस में चिपकेंगी नहीं और मतलब खिली खिली बनती है मकरोनी। बनाओ या आप वो कोई और चीज़ इस तरह की जो चावल है उसके अंदर भी आप डाल सकते हो। तो वो मैंने डाल दिया 2 चम्मच, और नमक हसबे ज़ायका वो भी शामिल कर दिया। अभी मैंने पतीला लिया है तो उसके अंदर 1 कप छोटा जो दरमियाना होगा वो मैंने ऑयल डाला, साथ ही बारीक कटी हुई प्याज, इसको अभी लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो जैसे इसका जो कलर है जो बादामी आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले, लाल मिर्च पाउडर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और नमक हसबे ज़ायका। तो इसको डाल के तो मैंने हल्का सा पहले इन तीनों चीज़ों को भूनूंगी कि इनकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए, तो उसके बाद शामिल करना है मैंने टमाटर जो मैंने बारीक काट के रखे हुए थे वो भी इसके अंदर मैं अभी शामिल करूंगी। अभी वो डाल दिया, अभी इनको मतलब थोड़ी सी मैंने भुनाई करनी है, जैसे इनका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और टमाटर जो है गल जाए। तो साथ ही इसके अंदर अभी मैंने वो ओरिगानो का जो है फ्लेवर है वो थोड़ा सा ऐड करूँगी, इसका वो खुशबू ज़रा अच्छी आती है, वो डाल दिया अभी थोड़ा सा भून के। फिर मैंने इसके अंदर डालना है, ये देखिए मसाला तो तैयार हो गया माशाल्लाह। अभी इसके अंदर डालूंगी आलू बारीक कटे हुए थे वो मैं अभी शामिल करके, तो थोड़ा सा इनको भूनूंगी, इनकी बुनाई हो जाएगी। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी की बारी आएगी, जो मैंने बारीक वो मिक्स सब्ज़ी रखी हुई थी। तो ये देखिए ये तो अच्छी तरह से माशाल्लाह स्किन की बुनाई होगी। अभी साथ ही मैं शामिल करूंगी इसके अंदर ये मिक्स सब्ज़ी है जो वो मैंने शामिल कर रहा हूँ, इनकी देखें कलर कितने खूबसूरत हैं, बहुत मज़े की लगेगी ये तो। ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े की, और जब इसने मकरोनी के अंदर जाना है तो फिर और ही यम्मी और मज़े की लग रहेगी। तो ये मैंने इसकी बुनाई कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा सा दम पे लगाऊंगी कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी ना नरम हो जाएं। वो पक चुकी हैं, अभी जो मकरोनी मैंने स्टेन की हुई थी वो शामिल कर दी।
तो इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और 5 मिनट के लिए मैंने इनको हल्का सा दम लगाना है। तो ये बहुत ही मज़े की बन गई है, झटपट, कोई इतना टाइम नहीं लगा इसका। तो आप लोग भी बनाएं, या बच्चों के लिए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें हैं जो। माशाल्लाह से मकरोनी तैयार हो गई है, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लग रही है, और मैं अभी बच्चों को देने जा रही हूँ, तो आप भी ट्राई लाजम करें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।